हम बात करेंगे एक टैरो कोचिंग और पारंपरिक टैरो रीडिंग से किस प्रकार भिन्न है। बेसिकली क्या होता है ना, आप जाओगे, आप बस पूछोगे मेरा जॉब लगेगा, यू वुड गो विद इन अ वेरी ट्रेडिशनल वे, हाँ लग जाएगा, ना नहीं लगेगा, तो अब क्या? अगर हाँ लगेगा तो व्हाट डज इट मीन कि आप नेटफ्लिक्स देखने लगोगे बिकॉज आपको पता है कि जॉब लगने वाला है, अगर नहीं आया तो फिर आप क्या करोगे? तो भी क्या आप नेटफ्लिक्स ही देखते रहोगे बिकॉज आपको पता है कि जॉब तो नहीं लगने वाला है? गाइडिंग वॉइस हिंदी में आपका स्वागत है। टीजीवी हिंदी आपके बेहतर भविष्य के लिए। और मैं हूं नवीन समला। और मैं हूं पायल मित्तल। द गाइडिंग वॉइस प्लेटफॉर्म का फाउंडर एंड चीफ होस्ट यानी व्यवस्थापक और मुख्य मेजबान। और मैं हूं टीजीवी हिंदी में आपकी को होस्ट। द गाइडिंग वॉइस हिंदी के माध्यम से हम इस दुनिया को कुछ बेहतर बनाना चाहते हैं। हम महत्वपूर्ण बातें करते हैं जिससे कि आपके जीवन और करियर को कुछ बेहतर बना सके। तो दोस्तों, आज हमारे टीजीवी हिंदी वर्चुअल स्टूडियो में हमारे साथ जुड़ी हुई है आकांक्षा वर्मा जी। और हम आज एक शानदार टॉपिक लाए हैं आपके सामने। और ये टॉपिक है कि अनवीलिंग द मिस्ट्रीज ऑफ टैरो, डिबंकिंग मिथ्स, एक्सप्लोरिंग हीलिंग एंड बियॉन्ड विथ आकांक्षा। टैरो के रहस्यों का अनावरण, मिथकों का खंडन, उपचार की खोज आकांक्षा जी के साथ। और ये टॉपिक के बारे में हम बात करने से पहले अपनी मेहमान आकांक्षा जी के दिमाग में चलिए थोड़ी गुदगुदी करेंगे। तो आकांक्षा जी, हम कुछ यादृच्छिक शब्दों का उल्लेख करेंगे और आपके दिमाग में जो आता है उसे साझा करना चाहिए। अब ज्यादा मत सोचना। सो यू हैव टू आंसर क्रिस्पली व्हाट एवर कम्स टू योर माइंड, जस्ट लाइक दैट। अब तैयार है तो हम शुरू करेंगे। यू आर गोइंग टू कीप इट इजी। वी विल। लेट्स लेट्स गेट स्टार्टेड। ठीक है, पहला शब्द द ड्रीम, सपना। दैट्स व्हाट माय नेम मींस। एंड जैसे ही विश, ड्रीम, ये सब सामने आता है तो आई जस्ट सी माई सेल्फ। वेरी नाइस। और दूसरा शब्द फ्यूचर, भविष्य। एक्शन, जिज्ञासा, क्यूरियोसिटी। इनोवेशन, धन, मनी, एंड टाइम। अच्छा, और आखिरी शब्द मेरे तरफ से जिंदगी, लाइफ। लेट्स प्रोसीड टू मेक ग्रीनर एंड क्लीनर। और मेरी तरफ से अब कुछ शब्द आपकी तरफ आ रहे हैं, जो जिसमें पहला शब्द है इन्वेंशन, आविष्कार। लाइफ टाइम अचीवमेंट, क्रिएटिविटी, लीडरशिप, नेतृत्व। इसमें तो सिर्फ एक ही नाम आता है, मिस्टर नरेंद्र मोदी। ओके, ग्रेट। बुक, किताब। सो इट्स अ सॉर्ट ऑफ मैसेज दैट इज गेटिंग इनटू माय हेड कि डोंट लेट बुक्स गेट रिप्लेस्ड विद टैब्स, स्पेशली दोज हु हैव किड्स। राइट, या सक्सेस, सफलता। हार्ड वर्क, टैरो। द बेस्ट मेंटोर वन कैन हैव। मैजिक, जादू। फेथ, and it's real. Faith. Faith is the word that comes to my mind. Okay. And last but not the least, aliens. Grah antarvasi. Multiverse and eager to meet them. Eager to meet them. Sure. We are also eager to meet them. हम अगर पॉसिबल है तो एलियंस के साथ भी इंटरव्यू करेंगे। यस नवीन, एंड ट्रस्ट मी, आई वांट टू बी द को होस्ट, यू नो। डेफिनेटली हम इन्वाइट करते हैं आपको राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस विद देम। करेक्ट करेक्ट करेक्ट। और आकांक्षा जी, हमारा पहला रैपिड फायर राउंड में पार्टिसिपेट करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और एक रैपिड फायर राउंड है अंत में, सो स्टे ट्यून्ड। एंड आकांक्षा जी, हार्टी वेलकम टू द गाइडिंग वॉइस हिंदी। आप कैसे हो आज? थैंक यू नवीन, थैंक यू पायल। मैं बहुत अच्छी हूँ एंड आई एम सो एक्साइटेड, यू नो, टू हैव फन विद यू गाइज एंड स्पेंड, यू नो, सम टाइम विद यू गाइज एंड कुछ कुछ इनसाइट्स देने के लिए व्हाट इज टैरो। बिकॉज टैरो एक ऐसा टॉपिक है ना, विच गूगल आप करोगे तो देखो हर चीज मिल जाएगा, बट एवरीथिंग इज नॉट, यू नो, आई वुड से देर आर सो मेनी मिसकंसेप्शन स्टिल अबाउट टैरो, बिकॉज कहीं ना कहीं इट इज स्टिल अ लो की प्रोफाइल, यू नो, it still isn't, people are not fully aware of it. So I am happy that today I'm getting a chance to throw some light and I'm getting that chance. So once again, thank you Naveen, thank you Payal for, you know, hosting this show. And I know that you guys are doing stupendous, so keep rocking.
थैंक यू और धन्यवाद आप इतना सारा काइंड वर्ड्स बात करें अब तक। और मैं इस मौके पे प्रदीप्ति विषम शेट्टी को भी थैंक यू करना चाहता हूँ बिकॉज शी हैज कनेक्टेड बोथ ऑफ अस। सो प्रदीप्ति थैंक यू, कीप रिकमेंडिंग ग्रेट पीपल लाइक आकांक्षा। एंड आकांक्षा थैंक यू फॉर बीइंग पार्ट ऑफ द गाइडिंग वॉइस जर्नी, हमारे सफर में जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और हम शुरू करते हैं आपके करियर और जीवन से, आपका ब्रीफ एलिवेटर पिच, आपका इंट्रोडक्शन दे दीजिए हमारे ऑडियंस के साथ। ओके, सो नॉट मेनी पीपल नो आई बेसिकली हेल फ्रॉम मध्य प्रदेश एमपी। सो आई बिलोंग टू, आई वाज बोर्न एंड ब्रॉट अप इन ग्वालियर एंड देन आई वाज मैरिड हियर इन दिल्ली एंड सिंस दैट देन आई हैव बीन अ दिल्लीआइट एंड आई जस्ट कीप फॉरगेटिंग समथिंग समटाइम्स दैट यू नो my roots somewhere lie in MP because Delhi ki hustle and bustle has you know just submerged me and so now I'm a proud Delhiite and I did my schooling, college, everything from Gwalior itself and then I got hooked to tarot. So maybe we'll talk about it during the show. But tarot was my passion, you know. So right after I finished my studies, so I was like, I know that there are very few people who go with passion, you know, and you people find it so uncanny, you know, they would be happy. Matlab aap bologe ki you are passionate about music, dance. So they'll be like, good. Wow. That is something nice. But for when you, as soon as you say that, you know, I'm passionate about tarot or healing or whatever, these occult things. So I get mixed reaction, but I think I still forayed into this and I'm happy about it. So that's about a little bit about my journey. So I'm married here in Delhi. I have two little kids and yeah, I stay here with my family and tarot is my passion basically. Problem. So yeah, that's about me. So I forayed into this tarot career and I'm happy about it. I'm satisfied. I enjoy. I mostly, you know, I think your main thing is the essence is that I enjoy what I do. ठीक है, और आकांक्षा जी आपके गाइडिंग वॉइस कौन है, आपका मार्गदर्शक आवाज कौन है? I would say it's my own intuition. और शायद इसीलिए I've been doing great in this career because somewhere you know I listen to my intuition. I tap into it. So जब भी मैं किसी confusion या whenever I have you know two roads and I don't know which road to take, so I tap into my intuition. I have dates with my cards and I you know 99.99% I follow that. So my guiding voice is myself, my intuition and my tarot cards. अपने आप पे इतना, अपने passion पे और खुद पे इतना बिलीव होना और आपके साथ वो देख रहे हैं तो बहुत अच्छा लग रहा है. एंड इट्स ऑल्सो इंस्पायरिंग टू अस ऑल्सो कि अपने passion पे अगर हमें बिलीव होता है तो वी कैन डू wonders. Exactly. मैं यही बोलना चाहूंगी कि today's youth, you know, somewhere in the peer pressure or the societal pressure, they just want to go into the fad, you know. Okay, oh, मेरे सारे friends, you know, they are aiming for top engineering colleges, IIT. So follow your passion as well. You know, don't ignore it. And then you will see maybe 5 years, 10 years down the line, you will enjoy what you are doing. So money is one thing and the enjoyment, the satisfaction that you get out of the work that you do, that is something else, you know. And वो satisfaction तभी आएगा when you follow your passion. और निश्चित रूप से आपके इस सफर में बहुत सारी चीजें रही होंगी जिन्होंने इम्पोर्टेंस भी रखी होगी और आपको गाइड किया होगा, लेकिन हम जानना चाहते हैं कि आपके सफर में तीन सबसे ऐसी महत्वपूर्ण चीजें जिन्होंने हेल्प करी आपको आज यहाँ पहुँचने में. So पायल, मुझे लगता है फर्स्ट ऑफ ऑल my family, you know, so my family has been very supportive. उन्होंने मुझे कभी नहीं रोका that what do you do, because as I told you, you know, people go with mixed reaction once they get to know you are into tarot, you are a tarot reader, and we'll also talk about misconceptions maybe later on. But I kept on getting mixed feeling, and despite all of this, you know, my family. So जैसे कि मैंने आपको बताया, you know, being into a field like tarot, you will keep on getting people who would feel, you know, like they would have mixed feeling and वो खुद को sure नहीं है, but they would keep, you know, maybe offbeat या आपके पीठ पीछे they would keep
डीमोटिवेटिंग यू या कई बार रिडिकुलस फील करवाएंगे. सो आई केप्ट गेटिंग दोस पीपल एज वेल, बट थैंकफुली मेरी फैमिली ने कभी मुझे प्रेशराइज नहीं किया, यू नो दैट यू शुड वॉच आउट व्हाट यू आर डूइंग. उन्होंने हमेशा साथ दिया. इनफैक्ट सम डेज आर सो बिजी फॉर मी, मेरे वर्कशॉप्स रहते हैं एंड ऑल माई वीकेंड्स आर यू नो सबमर्ज्ड इन अटेंडिंग वर्कशॉप्स. तो फर्स्ट थिंग मुझे लगता है कि मेरी फैमिली बहुत ज्यादा सपोर्टिव है. सेकेंड थिंग जो यहाँ पर आती है दैट समवेयर अ प्रोफेशनल नॉलेज ऑल्सो मैटर्स अ लॉट, राइट? सो इंट्यूशन इज वन थिंग एंड हैविंग प्रॉपर प्रोफेशनल नॉलेज इज ऑल्सो एज इम्पॉर्टेंट एज यू नो योर सिक्स्थ सेंस. तो सेकेंड नाम जो मैं लेना चाहूंगी वो मेरे टीचर्स का लेना चाहूंगी. आई वॉज फॉर्चुनेट इनफ कि मुझे एक के बाद एक बहुत अच्छे गुरु, बहुत अच्छे टीचर्स मिलते गए और उन्होंने मैंने उनसे इतना सीखा. और जैसे कि आपको पता ही है हर फील्ड में इतना कुछ सीखने के लिए है, यू नो द फील्ड इज वास्ट, वॉट एवर फील्ड यू गो इन टू. सो आई लर्न एवरी डे. आई हैव बीन हियरिंग दिस ऑन टीवी, लोग बोलते हैं यू नो आई एम लर्निंग एवरी डे, और मुझे लगता था यार क्या ये डायलॉग बोलते हैं, यू नो आई कीप लर्निंग एवरी डे, इट इज जस्ट टू एक टैगलाइन बन गई है. बट टुडे व्हेन आई स्पीकिंग इट आई रियली मीन इट. मतलब आई लिटरली लव एवरी डे. हर एक रीडिंग डिफरेंट होती है, हर एक सेशन डिफरेंट होता है एंड आई फील सो गुड, आई एंजॉय, बट एट द सेम टाइम लर्निंग भी बहुत ज्यादा है. तो समवेयर इंटरनल एज वेल एज एक्सटर्नल गुरुज और टीचर जो मुझे मिलते गए, आई थिंक आई हैव बीन फॉर्चुनेट ऑन दैट पार्ट. एंड थर्डली द गाइडेंस ऑफ गॉड. I came into this field. I took courage to work on this. So God has also somewhere, you know, blessed me. Ke tum jao, you take your path, take your route, follow it. So I think yes. और आकांक्षा जी आगे बढ़ते हैं, हम बात करेंगे एक टैरो कोचिंग और पारंपरिक टैरो रीडिंग से किस प्रकार भिन्न है. तो देखो टैरो रीडिंग आजकल जैसे मैंने बताया कि आप कोई भी टैरो रीडिंग सेशन में जाओगे, मोस्ट ऑफ द पीपल मे बी आई हैव हर्ड फ्रॉम माय क्लाइंट्स जिन्होंने कुछ कुछ सेशंस करके आए हुए होते हैं. तो टैरो रीडिंग में बेसिकली क्या होता है ना, आप जाओगे, आप बस पूछोगे मेरा जॉब लगेगा, यू वुड गो विद इन अ वेरी ट्रेडिशनल वे, हाँ लग जाएगा, ना नहीं लगेगा तो अब क्या, अगर हाँ लगेगा तो व्हाट डज इट मीन कि आप नेटफ्लिक्स देखने लगोगे बिकॉज आपको पता है कि जॉब लगने वाला है. अगर नहीं आया तो फिर आप क्या करोगे, तो भी क्या आप नेटफ्लिक्स ही देखते रहोगे बिकॉज आपको पता है कि जॉब तो नहीं लगने वाला है, तो व्हाई टू वेस्ट माय एफर्ट्स और माय एनर्जी. तो आई थिंक अब जो न्यूअर जनरेशन है, जो न्यू कोचेस आ रहे हैं, सो इट इज मच मोर देन रीडिंग एंड दैट्स व्हाट आई ऑल्सो फॉलो. And thanks to, I want to point out Sonia ma'am here. She has been an excellent guide. And so tarot is not just about reading the cards and predicting the future. It is empowering. Matlab, jab tak main aapko khud ko empower nahi karungi ke देखो ये रीडिंग है, दिस इज वॉट आई सी इन द कार्ड एंड नाउ यू टेक योर फाइनल डिसीजन. अब जैसे कमिंग बैक टू द सेम एग्जाम्पल, जैसे मैंने बोला सम पर्सन कम्स टू मी कि क्या मेरा जॉब लगेगा, सो इट इज मच मोर देन जस्ट सेइंग यस और नो. प्रोबेबली व्हाट आई वुड डू इज मैं उसे बताऊंगी, यू नो See, this is what option A says. This is what option B says. Job लगेगा तो आपको किस एरिया में मेहनत करनी होगी, आपका प्रॉब्लम एरिया क्या है, कहाँ कहाँ पर आपको ऑब्स्टेकल्स आ सकते हैं, कहाँ कहाँ पर आपको ज्यादा मेहनत करनी है. सो ऑल इतना डिटेल्ड आपको गाइडेंस मिलता है ना दैट यू योर सेल्फ विल रियलाइज कि यार हाँ मैंने थैंकफुली आई जस्ट इन गो फॉर येस और नो. सो I think that's what is the difference between the traditional reading and coaching wherein you coach people. आप उनको पूरा गाइडेंस देते हो फ्रॉम ए टू जी कि ये करो, दिस इज योर प्रॉब्लम एरिया, मुझे ये पॉसिबिलिटीज दिख रही हैं. सो यू नो के ओके मुझे इस एरिया में यू नो अपने एफर्ट्स लगाने हैं. आकांक्षा जी आपने जब ये चीज बताई ना तो मुझे बहुत ट्रेडिशनल चीज एक याद आ गई, जहाँ पर एक वो पंडित जी पेड़ के नीचे बैठे होते थे और उनके एक छोटे से केज में तोता होता, तोता बाहर आके कार्ड निकालता था और वो डिसाइड करता था उस समय के लिए कि आप का भविष्य कैसा होगा, वो पंडित जी बताते थे उस समय. तो ग्लैड कि हमने वो समय भी देखा है या हमने मूवीज में वो चीज देखी है. बट निश्चित रूप से आपने जो टैरो रीडिंग आज की जो बताई है, कोचिंग बताई है, हाउ द
दैट रीडिंग जो है वो अब कोचिंग में बदल गई है, जहां सिर्फ आप लोगों को उनका भविष्य ही नहीं बताते हैं, भविष्य के लिए तैयार करते हैं बेसिकली, मैं ये बोलूंगी ज्यादा बेहतर रहेगा, और साथ में उनको उनका जो एक एक्शन एरिया है वो भी बताते हैं कि भाई आपको इस जगह पर एक्शन लेने जरूरी है। सो निश्चित रूप से ये वो तोते वाली रीडिंग से तो बहुत बहुत डिफरेंट कोचिंग है। एंड चीज और यू नो, कुछ क्लाइंट्स आते हैं दे वो मतलब ओवरवेल्ड होकर आते हैं कि बस मुझे ये जाना है, आप बस इतना बता दो कि ऐसा होगा या नहीं। मैं बोलती हूँ येस और नो के क्वेश्चन के साथ मेरे पास मत आना, उससे तो बेटर है यू टेक अ कॉइन, फ्लिप इट, हेड्स आया तो हाँ है, टेल आया तो ना है, देन व्हाई डू यू नीड मी, आई मीन यू नो यू जस्ट डू दैट योरसेल्फ, आई एम नॉट हियर टू जस्ट प्रोवाइड येस और नो, आई विल गाइड यू क्या वर्क करना है, कहाँ वर्क करना है, एफर्ट्स किस एरिया में पुट करने हैं, अगर प्रॉब्लम दिख भी रही है तो ओके हाउ टू ओवरकम देम, यू बिकॉज ओके प्रॉब्लम्स दिख गई, नाउ वॉट नेक्स्ट, समवेयर देयर हैज टू बी अ रेमेडिएशन एज वेल, सो वो चीज कहाँ पर कैसे फिट होगी, वॉट वुड द नेक्स्ट स्टेप्स, तो वो आई कवर ऑल ऑफ दैट। वेरी वेरी नाइस, तो यस इट इज अ कोचिंग ऑफ आपकी जो एक्शनेबल एरियाज रहेंगे उसके लिए, अमेजिंग yes. और निश्चित रूप से ये बहुत इंटरेस्टिंग भी होता होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, और हर किसी की लाइफ में जब जो पैशन को फॉलो कर रहा है, हर किसी की लाइफ में एक मंत्र मुग्ध क्षण आता है, इंचैंटमेंट मोमेंट जिसे हम बोलते हैं, तो वो आपकी लाइफ में कौन सा ऐसा क्षण था, मंत्र मुग्ध क्षण, आपने जब ये वाला रास्ता अपनाने का निर्णय लिया? मेरी एक फ्रेंड थी स्कूल में, तब आई एम टॉकिंग अबाउट आज से 15-18 साल पहले, यू नो जब टैरो इतना ज्यादा वाइडली लोगों को नहीं पता था, लाइक आजकल मोस्ट ऑफ द पीपल नो के ओके टैरो ऐसे ऐसे, यू नो इट इज यूज्ड एज अ फ्यूचर प्रेडिक्शन गाइडेंस टूल। तो बैक देन आई हैड अ स्कूल फ्रेंड जो she used to work into all these modalities. So मैंने tarot cards, I still remember she just once told me, you know, ऐसे ऐसे करके कुछ cards होते हैं who are used for telling future, and I think I did not even see the cards, I just already fell in love के यार I also want to go into these field, can you teach me? तो तब obviously you know बहुत ज्यादा ऐसा time होता है कि वो career पर focus कहीं ना कहीं parents का रहता है, यार ये सब छोड़ो और you know boards are coming, you focus on that, but I somewhere had that moment already enchanted as soon as I learned ke aisa bhi kuch cards hote hai, aisa bhi kuch tool hota hai which gives you insight about your future, and I was so enthusiastic yaar main kabhi na kabhi ye learn karungi zarur, I would go with it, so I think that was my enchantment moment, that without seeing the cards I just fell in love with them. और आकांक्षा जी, हम टैरो को लेकर बहुत सारी भ्रांतियां देखते हैं, और आप अपने सामने आए कुछ सबसे बड़े मिथकों को साझा कर सकते हैं और उन्हें हमारे लिए दूर कैसे कर सकते हैं? यस नवीन, थैंक यू, आई थिंक ये एक मोस्ट रिक्वायर्ड क्वेश्चन है, एंड आई वुड रिक्वेस्ट ऑडियंस यू नो टू मे बी रिपीट दिस फेज, मतलब आप ये देखो इतने सारे मिसकंसेप्शन है, सबसे बड़ा तो अभी लास्ट वीक है मेरे साथ कि आई वॉज हीलिंग अ पर्सन, और उसने बोला मैम आपको इम्प्रूवमेंट दिखा, मतलब ही वॉज गोइंग थ्रू सम एंग्जाइटी इश्यूज, और वो मुझे बोलता है कि मैम मुझे कुछ बेटर लग रहा है, आई एम फीलिंग मेंटली मोर स्टेबल, और वो मुझे बोलता है आप कैसे क्रिस्टल में देखते हो, वो एक क्रिस्टल बॉल रखी रहती है, डू यू हैव दैट व्हाइट कलर का क्रिस्टल बॉल, और फिर उसमें आप ऐसे गेज करते हो और फिर आपको पता चलता है कि मेरी हीलिंग हो रही है, तो ये आई थिंक मुझे कई लोगों ने बोला है, और जो नहीं भी कहते आई गेट इन टू दैट थॉट प्रोसेस कि उन्हें लगता है कि यू नो टैरो रीडर होगा एक पर्सन, यू नो अनकैनी लुकिंग, और एक बड़ी सी क्रिस्टल बॉल होगी, एंड द पर्सन वुड गेज इनटू इट, और वो देखेगा कि ओके फ्यूचर में ये होने वाला है, एंड देन सेम चीज मैं आपको बताने वाली हूँ, तो नो इट्स नथिंग लाइक दैट, वी हैव द सेट ऑफ कार्ड्स, सो दीज आर माई कार्ड्स, वन ऑफ माई डेक्स, सो वी ले द कार्ड, हम एनर्जी से कनेक्ट करते हैं, तो एक तो सबसे बड़ा यही मिसकंसेप्शन है कि एक वो क्रिस्टल बॉल होगी और यू नो बस कभी भी चाहा वो उसमें देख लिया, झांक लिया और फ्यूचर दिख जाता है, इसलिए सबसे बड़ा ये मिसकंसेप्शन है। देन एक माइंड रीडिंग का भी, अच्छा। मुझे लगता है मेनी पीपल थिंक के यू नो वी आर एबल टू रीड द माइंड, सो अगेन कमिंग बैक टू द सेम थिंग, ऐसा कुछ नहीं है, वी स्प्रेड द कार्ड्स, देयर इज अ प्रोसेस ऑफ कनेक्टिंग विद द पर्सन्स एनर्जी, कार्ड्स हम पिक करते हैं,
then we look into the inside. So we are not mind readers. We do not have any special qualities. We are not aliens या कुछ ऐसा कुछ नहीं है, you know. Everybody has got their intuition. It's just that आपको पता होना चाहिए कि when to listen to your intuition, how to tap into your intuition, क्या ignore करना है, क्या as a guiding voice लेना है. So ऐसा कुछ नहीं है that we are blessed with some additional, you know, third eye खुली रहती है लाइक लॉर्ड शिवा, ऐसा कुछ भी नहीं है. तो फिर वही मुझे लगता है कि ये सारे मिथ्स, यू नो, कि आप मन पढ़ सकते हो दूसरे का, या फिर आप एकदम से भविष्य बता देते हो क्रिस्टल बॉल में देखकर, और कुछ स्पेशल क्वालिटीज होती है, ऐसा कुछ भी नहीं है. एनी बडी कैन बिकम अ टैरो रीडर, कोई भी बन सकता है. एंड मैंने इतने लोगों को ट्रेन किया है, आई टोल्ड देम हाउ टू यूज देयर थर्ड आई, हाउ टू यूज देयर इंट्यूशन, कैसे वो अपने इस इंट्यूशन को यूज करते हैं. सो टैरो इज अ मिक्स ऑफ इंटेलेक्ट एज वेल एज योर इंट्यूशन. तो कोई ऐसा स्पेशल गॉड गिफ्ट नहीं होता, इट्स जस्ट दैट आपको नॉलेज होनी चाहिए कि वो चीज यूज कैसे करनी है. मेरा एक क्वेश्चन यहाँ पे आता है कि अब आप बताइएगा कि ये मिथ है और अगर आप इसको कैसे डीबंक करेंगे. कभी कभी हैरी पॉटर वाली फीलिंग आती है, जो उसमें से वो क्रिस्टल बॉल में से वो पढ़ती थी, कॉफी मग में से वो पढ़ती थी. सो डू यू गेट दैट फीलिंग? नहीं, आई डोंट थिंक सो. बहुत नेचुरल प्रोसेस होता है. इनफैक्ट आई वुड लव टू डू योर रीडिंग समटाइम्स फाइल. सो ऐसा कभी फील नहीं होता. हाँ, मुझे ये लगता है दैट आई एम एबल टू गाइड पीपल. मेरे पास कुछ टूल्स हैं, यू नो, आई विल ऑल्सो शो यू माई टूल्स. तो कभी कभी लगता है आई फील सो गुड वर्किंग विद देम, बिकॉज एक पॉजिटिव वाइब्स, यू नो, अंदर से ही आती है. अगर आप अच्छे टैरो रीडर हो तो आपको खुद से पॉजिटिव वाइब्स आएंगी. यू विल एंजॉय डूइंग दैट. और फिर आपको लगेगा कि यार, आई थिंक आई एम इन टू द बेस्ट प्रोफेशन. सो मैं एंजॉय करती हूँ, बट ऐसा कुछ नहीं है दैट आई हैव दैट हॉगवर्ड्स वाली फीलिंग. बट अगेन आई वुड लव टू गो टू हॉगवर्ड्स, यू नो. वी ऑल हैव, हम लोग हर कोई ना बहुत कनेक्टेड है हैरी पॉटर से, या उसके कुछ कैरेक्टर्स, या द इवेंट्स जो होते थे, वो जो सीढ़ियां होती थी वो चेंज होती रहती थी. बहुत ज्यादा, यू नो, इट इज लाइक वो सबकी ना एक ड्रीम वर्ल्ड है. Exactly. कि मुझे भी यहाँ जाना है, आई वांट टू स्पेंड अ डे. यस, चलिए आगे बढ़ते हैं. बहुत मजा आ रहा है आपके साथ बात करने में, एंड वेरी वेरी क्रिस्पी एंड डिफरेंट टॉपिक है, तो बहुत अच्छा लग रहा है आपसे बात करके. अभी हम आगे चलेंगे. व्हाट आर द सम मोस्ट कॉमन टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस जो आपके क्लाइंट्स आपके पास लेकर आते हैं ड्यूरिंग अ सेशन? ठीक है, तो मोस्टली आई हैव पीपल फ्रॉम एमएनसी बैकग्राउंड. तो आई वुड से 50-60% ऑफ द रीडिंग्स आर फॉर करियर, एंड आई फील हैप्पी अबाउट इट. कि यू नो, पीपल आर, मतलब वो अपने करियर को लेकर कंसर्न है. तो करियर रीडिंग्स मोस्टली आती है, मैं स्विच करूं नहीं करूं, यहाँ पर ये इश्यूज आ रहे हैं, हाउ टू ओवरकम देम, मतलब एनी एक्स ए टू जेड कुछ भी करियर से रिलेटेड होता है. देन सेकेंड रीडिंग्स जो आती है वो रिलेशनशिप से रिलेटेड आती है, कि रिलेशनशिप को, यू नो, समथिंग इज नॉट वर्किंग, या फिर ये कैसा रहेगा इन फ्यूचर. सम आई गेट ब्रोकन हार्ट एज वेल, यू नो, कि आई my lover has blocked me, you know, and please do something, Akanksha, I want that person back in my life, please kuch karo, do you see our future together. So that has again yahan pe coaching ka thoda role aata hai. Jaise I said that I'm not just the tarot reader, I have to show them my counseling skills as well. ऐसे लोगों को थोड़ा सा counseling भी करना पड़ता है. We get go into the reading session. So I think career, relationship ये most common है. कुछ कुछ weird questions भी कई बार आ जाते हैं. यार, मुझे IPO में पैसा लगाना है, will you be helping me? I'm like, no, straight away, no, I'm not into all these things. So कई बार weird चीजें भी आ जाती हैं. कि इंडिया मैच जीतेगी, व्हाट डू यू थिंक, कौन सा पार्टी में पैसा लगाना चाहिए. सो आई जस्ट डोंट एंटरटेन सच पीपल. मुझे पता है कि मुझे अपने नॉलेज या अपनी रीडिंग्स किस एरिया में देनी है. अगर मुझे लगता है वो दे आर एथिकल इनफ, देन ओनली आई वुड गो इनटू इट, अदरवाइज इट्स अ बिग नो नो फ्रॉम माय एंड. क्वेश्चंस तो आपके पास आते हैं, और आपको क्या लगता है कि कितना परसेंटेज रेशो रहता होगा कि जिन क्वेश्चंस के आंसर्स आप सभी क्वेश्चंस के देते होंगे, लेकिन टू द परफेक्ट किन के ऊपर जाते हैं ज्यादा, रेशो किस चीज का ज्यादा रहता है? दैट द पीपल हु वांट देयर जॉब्स, आप उनका मतलब वो रेशो ज्यादा बेटर है? करियर का रेशो सबसे ज्यादा है, बिकॉज ऑल माई क्लाइंट्स आर, एज आई ऑलरेडी टोल्ड यू, आई वॉज इन टू आई टी फील्ड. सो कहीं ना कहीं मेरे कनेक्शन आई टी फील्ड में ज्यादा है. सो
most of my clients, they do work with MNCs, they work with great companies, or most of the clients, they do come with their career concerns only. उसके बाद आता है relationship. फिर एक particular कई I feel good. कई लोग अपने parents का health cards भी दिखवाते हैं, so health readings भी आ जाती हैं. And one common thing जो मैं आजकल notice कर रही हूँ that people are sinking so much into depression and anxiety, and they are not aware. मतलब they are being ridiculed at के depression really वो तो सिर्फ celebrities को होता है, so it's nothing like that. And people don't even realize. Then that's when the healing also comes into picture. तो खैर वो एक अलग चीज है, but I also see that people today have become very sensitive. बहुत ज़्यादा overthinking वाली stage में वो लोग चले जाते हैं, you know, and they come to me all depressed and sad. And you have to spend a lot of time with these sensitive people. You have to console them. You have to guide them कि कैसे क्या करना चाहिए. So ऐसे भी बहुत सारे cases आते हैं जो कि वो खुद unaware होते हैं कि where I'm sinking into. Because आप एक चीज देखो कि tarot is not just about prediction, इसमें सब कुछ होता है. मैं personally से science भी बोलती हूँ. There is psychology involved, there is sociology involved, and luckily I did my masters in business administration. तो कहीं ना कहीं मैंने psychology, sociology थोड़ी बहुत I've been in touch. So कहीं ना कहीं mind reading मेरे लिए इजी हो जाती है, यू नो. सो इट्स साइंस आल्सो आई वुड से. एवरीथिंग हैज एन आर्ट एंड साइंस ऑफ इट. एग्जैक्टली, यस पायल, यू आर राइट. हेलो, आई एम स्टीव अहर्न, वन ऑफ द जजेस ऑफ द एशिया पॉडकास्ट अवार्ड्स. I'm interrupting this episode to let you know that you're listening to an award-winning podcast. This podcast won its category in the 2024 Podcast Awards, so you know you're listening to quality. Enjoy your listening experience, and congratulations to the team who created this award-winning podcast for you. और आकांक्षा जी, हम जब टैरो कार्ड्स के बारे में सोचते हैं, इसके पहले पायल ने बताया कि वो तोता पंडित, राइट, हु डज दिस फॉर्चून टेलिंग, उसके बारे में याद दिलाता है, राइट. मगर हमारे को ये यकीन है कि लाइक इट इज बियॉन्ड दैट. मतलब ये तो एक अच्छी तरह, हाँ, इट इज बियॉन्ड दैट. और इसका एक डीपर पर्पज है बियॉन्ड गिविंग दैट प्रेडिक्शंस ना. तो आप इसके बारे में बताइए कि केवल भविष्यवाणियों देने से परे किसी गहरे उद्देश्य की पूर्ति करती है टैरो कार्ड्स. यस, जैसे कि मैंने बताया कि यू नो, एक तो सबसे बड़ा गाइडेंस मिलता है आपको कि आप सही दिशा में जा भी रहे हो या नहीं, या फिर आपको उस एरिया में एफर्ट्स लगाने चाहिए, या इट्स टाइम टू गो इनटू समथिंग एल्स. बहुत बार जैसे मैंने आपको बताया कि साइकोलॉजिकल इश्यूज भी आते हैं, पीपल हु आर इनटू लाइक दैट ग्लूमी फेज, तो वहां पर उनकी चक्रा बैलेंसिंग, समटाइम्स द कार्ड ऑल्सो टॉक अबाउट कि इस पर्सन को ही हीलिंग की जरूरत है, इसका ये वाला चक्रा ब्लॉक्ड है. सो देन कम्स हीलिंग ऑल्सो इन टू पिक्चर. इट ऑल्सो टॉक्स अबाउट द एस्ट्रो एस्पेक्ट्स. सो बाय एस्ट्रो एस्पेक्ट्स आई मीन जैसे हर एक कार्ड, यू नो, जैसे लाइक लेट मी पुल अप वन कार्ड क्विकली. जैसे सो यू हैव एस्ट्रोलॉजिकल एस्पेक्ट्स ऑल्सो एसोसिएटेड विद टैरो. तो कई बार किसी पर्सन का मून, फॉर गिविंग यू अ वेरी कॉमन एग्जाम्पल, मून एफ्लिक्टेड है आपका हॉरोस्कोप. सो एक एडवांटेज ये है, आई नेवर रिक्वायर टाइम, बिकॉज कई लोगों को टाइम नहीं पता, यू नो, अ डिपेंडेंसी ऑन हॉरोस्कोप आई थिंक इज दैट आपके पास जब तक टाइम नहीं होगा मोस्टली, मतलब आई नो एस्ट्रोलॉजर्स कुछ ऐसे भी होते हैं जो बिना टाइमिंग के भी आपका हॉरोस्कोप तैयार करते हैं एंड इट इज टू द मार्क, बट मोस्टली मैंने देखा है कि आपको टाइम चाहिए अलॉन्ग विद ऑल द डिटेल्स. बट टैरो में आपको कुछ भी नहीं भी पता ना, तो भी वो आपको बता देगा कि विच प्लैनेट नीड्स टू बी वर्कड अपॉन. आपको मून स्ट्रांग करना है, आपका मर्करी सही डायरेक्शन में नहीं जा रहा, क्योंकि एज आई जस्ट टोल्ड यू कि इसमें एस्ट्रो एस्पेक्ट्स भी होते हैं, देन न्यूमरोलॉजी एस्पेक्ट्स भी कुछ कुछ होते हैं, बिकॉज ईच कार्ड इज एसोसिएटेड विद अ नंबर. तो आई डू अमलगमेशन, यू नो, आई इंटीग्रेट ऑल द मोडालिटीज, बट अगेन यू नो, हर एक टैरो कार्ड रीडर का एक अपना वे होता है. नो टू टैरो कार्ड रीडर्स आर द सेम, जस्ट लाइक यू कैन नॉट कंपेयर टू डॉक्टर्स टू बी द सेम. सबका अपना अपना एक तरीका होता है, you know. So I mostly prefer to integrate all my knowledge and then come to a conclusion. So yes, now coming to your question, Naveen, somewhere we just got swayed away. So guidance ke alawa aapka work area bhi dikhta hai, aapki energies kaisi ja rahi hai, you know, whether you need more of positive energies ya fir aap sahi disha mein ja rahe ho, to wo sare insights bhi milte hain. Acha.
निश्चित रूप से जब इतने सारे इनसाइट्स हमें मिल सकते हैं टैरो रीडिंग से, तो एक बड़ा इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन आता है मेरे दिमाग में आपसे पूछने के लिए कि क्या स्पेसिफिक टाइप ऑफ टैरो डेक होते हैं ये कि एक पर्पस के लिए एक तरीके का डेक है, दूसरे के लिए दूसरे तरीके का है, या फिर एक ही डेक से आप सभी डाइवर्स क्लाइंट्स को अपने उनकी जो नीड्स होती हैं उनको फुलफिल कर पाते। ओके, सो हाँ, आई थिंक ये एक बहुत अच्छा क्वेश्चन आपने पूछा पायल। तो कई सारे तरह के डेक्स होते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल प्रिडिक्शन के लिए या आपके फ्यूचर गाइडेंस के लिए टैरो ही एक टूल नहीं है, देर आर अदर कार्ड्स एज वेल, यू नो, ओरेकल कार्ड्स होते हैं एंड देन यू हैव कार्ड्स एज वेल। लाइक मैं अपने रीडिंग्स में ओरेकल कार्ड्स भी यूज करती हूँ, देन आई डू ऑल्सो यूज एंजल कार्ड्स। सो ये मेरे कुछ कार्ड्स हैं, यू नो, सो आई वुड यूज ऑल ऑफ देम। मतलब यू सी द ब्यूटिफुल इमेजेस ऑन दीज, यू नो, सो नॉट जस्ट टैरो बट वी हैव मेनी टूल्स देन। सो कमिंग टू योर क्वेश्चन दैट येस वी हैव मेनी कार्ड्स, अगेन हर टैरो रीडर का अपना एक इंट्यूशन होता है कि वेदर उसकी उसको कैसे बेस्ट फील हो रहा है, यू नो, ही फील्स के एक टैरो डेक से ही काम चल रहा है या फिर ही नीड्स टू लुक एट मोर टूल्स। लाइक आई यूज अ फ्यू मोर टूल्स एज वेल विद माय रीडिंग्स अलोंग विद द कार्ड्स, यू नो, टू वैलिडेट माय रीडिंग्स। तो मैं कार्ड्स भी यूज करती हूँ, मैं कुछ टूल्स भी यूज करती हूँ, मेरे पास बहुत तरह के कार्ड्स भी हैं। मतलब आई यूज ओरेकल कार्ड्स ऑल्सो, दीज आर माई टैरो कार्ड्स। मेरे पे टैरो डेक ही 3-4 तरह की है, बिकॉज जहां भी मुझे बहुत ही अच्छी सी बहुत ही प्यारी सी टैरो डेक दिखती है आई जस्ट परचेज इट। तो ये चीज है। हाँ, तो अगर मुझे लगता है कि मुझे इंट्यूशन होता है कि यार इस पर्सन की रीडिंग के लिए आई नीड टू यूज मोर टूल्स, तो आई वुड यूज। अदरवाइज कई बार स्ट्रेट अवे भी आंसर्स आ जाते हैं, सो एवरी रीडिंग इज अ डिफरेंट वन। अच्छा, तो आपको किसी को देख के कुछ उनका वाइब्स दिखते हैं क्या? जस्ट लाइक दैट? यस यस। अच्छा, ओके। उनकी ऑरा वाइब्रेशंस पता चल जाती है। अच्छा, लाइक फोन पे तो इतना ऑफन होता है, कई लोग प्रिटेंड करते हैं। मैंने कहा यार यू आर जस्ट प्रिटेंडिंग टू बी लाइक, स्पेशली फ्रेंड्स जिनको मैं ऑलरेडी जानती हूँ, यू नो, देन दे धीरे धीरे फिर वो आते हैं, हाँ यार आई यू आर राइट, यू नो, मेरे साथ ये कुछ कुछ इशू हुआ, एंड हाउ डू यू नो। सो दिस इज वन ऑफ द मोस्ट कॉमन थिंग। सो वाइब्रेशंस आपको अब पता चल जाती है वंस यू गो इन टू दिस फील्ड, सो वो पता चल जाते हैं। मैं ये बोल रही थी कि आज आपका एक प्राइसलेस पोजेशन जो है वो मुझे, हम लोगों को पता चल गया कि आप डिफरेंट डेक्स रखते हैं या डिफरेंट डेक्स ले आते हैं। हाँ, तो दिस इज योर प्राइसलेस पोजेशन फॉर श्योर। बहुत ज्यादा, नोबडी कैन टच माय, यू नो, दीज टूल्स। मेरे हस्बैंड, मेरे किड्स, आई डोंट अलाउ एनीवन टू मतलब इवन लुक एट देम। मेरा अलग एरिया है जिस पर मैंने कब्जा किया हुआ है एंड नोबडी कैन गो इनटू दैट। और आकांक्षा जी, आप एंजल हीलिंग, एंजल कार्ड्स के बारे में बताइए, और क्रिस्टल हीलिंग, कार्मिक हीलिंग, ये सब एरियाज में आप एक्सपर्ट हो ना, ये सब प्रैक्टिसेस डू दे कॉम्प्लीमेंट ईच अदर और डू दे डिफर फ्रॉम टैरो? हीलिंग पार्ट मोस्टली रेमेडिएशन में आता है। अच्छा। कि चलो कार्ड्स में दिख गया कि योर चक्रास आर अनबैलेंस, ठीक है, तो धीरे धीरे चक्रास जैसे ही अनबैलेंस्ड होते हैं वो धीरे धीरे आपके ऑरा में दिखने लगता है, फिर धीरे धीरे आपको हेल्थ इश्यूज होने लगेंगे। तो हीलिंग इज एज द नेम इटसेल्फ सजेस्ट, वो आपको हील करता है, वो आपको इट इज जस्ट लाइक सेंडिंग पॉजिटिव वाइब्रेशंस टू समवन। सो ये अलग अलग टाइप के हीलिंग्स हैं, लाइक चक्रा हीलिंग मोस्टली, क्रिस्टल हीलिंग क्या होती है ना, मोस्टली इट इज यूज फॉर चक्रास बैलेंसिंग, बट आई डोंट डू मच ऑफ द क्रिस्टल हीलिंग। जो मेरे एरियाज, मतलब किसी वजह से आई डोंट रेजोनेट विद क्रिस्टल्स, ऑल्दो आई डू हैव सम क्रिस्टल्स, आई विल शो यू माय क्रिस्टल्स, एंड आई यूज दीस फॉर प्रिपेयरिंग मनी बैग्स फ्रॉम माय क्लाइंट्स। सो आई डू हैव डिफरेंट टाइप्स ऑफ हीलिंग, बट मैं क्रिस्टल हीलिंग बहुत ज्यादा नहीं करती हूँ, बिकॉज क्रिस्टल को भी मैनेज करने के लिए यू नो यू हैव टू मैनेज योर क्रिस्टल जस्ट लाइक योर बेबीज, तो इट्स नॉट एन ईजी टास्क, यू नो, यू हैव टू स्पेंड अ लॉट ऑफ टाइम हीलिंग देम एंड चार्जिंग देम। तो एंड I don't resonate, but because I have more of the healing components with me, like angel healing, and then I do Reiki healing. Reiki healing to hai mera prominent area, and karmic healing, as the name itself suggests, you know, sometimes kuch repeated patterns hote hain. Aapne kuch remedies try ki, but the things are not working still. To kahin na kahin fir ye figure out hum karte hain ki whether it is due to karmic deeds, you know, to hum past lives ki fir wo karmic healing karte hain. So wo kahin ना कहीं थोड़ा सा
पास्ट लाइफ रिग्रेशन से भी रिलेटेड है. सो आई डू दैट कार्मिक हीलिंग थिंग एज वेल. देन आई ऑल्सो डू फुल मून हीलिंग्स, यू नो, बिकॉज फुल मून डेज आर द बेस्ट डेज टू हील समवन. और मेरे लिए तो वो मैजिक की तरह वर्क करता है. आई मेक श्योर दैट आई एम टेकिंग आउट 1 hour फॉर माई सेल्फ वेन एवर देर इज अ फुल मून, बिकॉज आई नीड द मोस्ट हीलिंग. सो आई डोंट मिस दैट. एंड आई ऑल्सो सजेस्ट माई क्लाइंट्स, अगर मुझे लगता है, मतलब इट डिपेंड्स अपॉन द क्लाइंट, यू नो, कि मुझे लगता है कि दिस पर्सन नीड्स फुल मून हीलिंग या रेकी हीलिंग की जरूरत है. सो दैट डिपेंड्स फ्रॉम क्लाइंट टू क्लाइंट बेसिस. सो आकांक्षा जी, आपसे हमें बात करते आज बहुत सारी चीजों का पता चला. तो आज हमारी ऑडियंस के लिए, क्योंकि आप हैं यहाँ पर और हम चाहेंगे कि उनको हम थोड़ा सा एक इनसाइट दे सके इस टैरो की दुनिया में, तो अगर आप हमारे साथ शेयर कर सके अपने कुछ डेक्स और टूल्स को जो आप यूज करते हैं, तो इट विल बी वेरी यूजफुल. एंड थोड़ा सा उनके बारे में एक ब्रीफ डिस्क्रिप्शन भी दें साथ में. श्योर श्योर. सो आई विल शो यू, मतलब जैसे कि मैंने आपको ऑलरेडी अपनी डेक्स दिखा चुकी हूँ. आई यूज राइट अवे डेक. सो ये मेरा डेक है, इट हैज ब्यूटीफुल इमेजेस, बहुत तरह की डेक्स आती हैं, बट आई रेजोनेट विद दीज, मतलब जिसकी पिक्चर्स कलरेशन, आई जस्ट इन लव विद दिस डेक. देन इसके अलावा आई ऑल्सो यूज सम ओरेकल कार्ड्स विच आई ऑलरेडी शोड यू. सो दीज आर माई सम एनर्जी कार्ड्स, ये आपको बहुत अपलिफ्टिंग मैसेजेस देते हैं. सो इट इज जस्ट लाइक a book and tarot is like the detailed chapter of the book. ठीक है, तो दीज आर जनरल, मतलब लाइटर एनर्जी पर ये काम करता है. देन बहुत सारी डेक्स है मेरे पे. सो दीज आर माई एंजल आंसर कार्ड्स, सो दिस इज ऑल्सो आई यूज फॉर रीडिंग. देन आई यूज मेनी ऑरेकल कार्ड्स, बट मोस्ट ऑफ देम have like different purposes. और फिर क्लाइंट को देख कर ही पता चलता है कि किसके लिए कौन सा डेक रहेगा. एंड देन दिस इज समथिंग आई गॉट फ्यू इयर्स बैक, दिस इज माई रेकी विश बॉक्स. सो वेन एवर आई हैव टू मैनिफेस्ट समथिंग आई यूज दिस. एंड कुछ एक सीक्रेट मैनिफेस्टेशन मेरा यहाँ पर रिचुअल जो मैंने किया था फुल मून पर, वो यहाँ पर है भी. सो दिस अगेन माई पेंडोरास बॉक्स, एंड ये सिर्फ मेरा है, नोबडी कैन टच इट. ऑल्सो देन आई ऑल्सो यूज पेंडुलम फॉर माई रीडिंग. So this is also used to gauge the energy of the cards. So this is one thing. जब भी मैं बहुत anxious होती हूँ, you know, sometimes it does happen with all of us. You go into oversensitiveness या something bothers you. Then again, this is myself. I mean, ये मैंने decorate किया. This is my labyrinth. And ये मुझे बहुत, मतलब this is my personal favorite. मतलब quick, अगर मैंने 10 मिनट भी अपने stool के साथ निकाल लिए तो my mind would be like so relaxed. So this is again one of the use. And then again, different kind of cards. So yeah, So I use all these tools. Okay. And of course, my intellect, my third eye, my energies. Yeah. Amazing, amazing. बहुत अच्छा लगा आपने जो ये अपने टूल्स हमारे साथ शेयर करे, सो दैट हमारी ऑडियंस को भी ये चीज समझ आएगी कि सभी चीज शायद सभी के लिए नहीं बनी है, लेकिन जो चीज आपके लिए बनी है वो आपके साथ बिल्कुल अच्छे से कनेक्ट करेगी और आप उसमें से बेटर हीलिंग ले सकते हैं और अपनी चीजों का समाधान ढूंढ सकते हैं और उस पे काम कर सकते हैं. बिकॉज ये सारी चीजें आर वर्क एज अ गाइडेंस टू अस, बट सबसे बड़ी चीज हमारा कर्म रहता है, हमारा एक्शन रहता है. सो एक्शन आर द ऑन द टॉप ऑफ एनीथिंग. सो थैंक यू फॉर शेयरिंग दिस आकांक्षा जी. एंड वी मेक श्योर दैट आप प्लीज हमारे साथ अपना जो इंस्टाग्राम हैंडल है और बाकी वेबसाइट, इफ देर इज एनी, अपनी जो डिटेल्स है वो शेयर करेंगे. वी विल पुट इट इन टू द डिस्क्रिप्शन सो दैट हमारे ऑडियंस में से कोई आपके साथ कनेक्ट होना चाहे तो उन्हें पता है कि आपको कहाँ ढूंढना है. श्योर गाइज, I would definitely tell you to try a session. I'm sure that it's going to be very helpful. And I'm here. I mean, I'm available on Insta, Facebook. So do feel free to get in touch with me and get the insights. So thank you Payal, thank you Naveen for connecting and being here. I really enjoyed my time and my vibration, you know, I must be glowing probably. So I'm so happy, I'm so full of positive vibration. So thank you. थैंक यू सो मच. अद्भुत बातचीत चल रही है आपके साथ में. आइए सेकंड रैपिड फायर राउंड के साथ में इसमें कुछ मसाला जोड़ते हैं. आप तैयार हैं तो हम आगे बढ़ेंगे. श्योर. सो इट मींस कि मैंने फर्स्ट राउंड क्लियर नहीं किया. नहीं, यू डिड वेल. अभी हम इसलिए आप क्वालिफाई हुए.
ओके दैट वाज द क्वालिफाइंग ओके फाइन फाइन गो अहेड पायल नवीन. तो इफ यू हैव वन जाइकेंटिक बिलबोर्ड और उसपे आप कुछ भी लिख सकते हैं तो वो क्या होगा? माय बिलबोर्ड वुड से लाउडली के डू व्हाट्स इन फ्रंट ऑफ यू एंड लेट गॉड टेक्स केयर ऑफ द रेस्ट ऑफ द थिंग्स यू नो जस्ट डू व्हाट्स इन फ्रंट ऑफ यू एंड व्हाट यू कैन And leave everything to the universe, to the God. अच्छा, very nice. और एक बॉम्ब जैसा क्वेश्चन आ रहा है, यदि आपको किसी सेलिब्रिटी के साथ डेट करना हो तो वो कौन होगा और क्यों? And don't tell that you want to date your husband or someone. Okay, okay. We want masala. एपिसोड ठीक है. तो ऐसा कोई फीचर या कुछ है आपके रिकॉर्डिंग्स में दैट माय हस्बैंड डजंट सी ओनली दिस पार्ट? आई एम ओके जस्ट ऑफ द ऑडियंस. करेंगे हम उनको स्पेशल एपिसोड भेजेंगे. तो आई थिंक आई एम अ बिग फैन ऑफ अमिताभ बच्चन. मतलब वो तो लाइक एज सून एज ही कम्स ऑन द टेलीविजन मैं सब काम छोड़ के लाइक रुको मुझे देखने दो, वेदर इट्स केबीसी या कोई पुरानी मूवी जो शायद मैंने 10-20 टाइम देख ली भी होगी, शोले और सिलसिला और मतलब इतनी अच्छी मूवीज. तो आई एम अ बिग फैन ऑफ अमिताभ बच्चन एंड आई एम ऑल्सो वेरी बिग फैन ऑफ जॉर्ज क्लूनी. तो आई वुड डेट बोथ ऑफ देम या चलो ईदर ऑफ देम. ग्रेट. तो अगला क्वेश्चन आपकी तरफ है कि अगर आपको एक दिन ना नियम बनाने का मौका मिले जिसे सभी को बाय डिफॉल्ट मानना ही पड़ेगा तो आप क्या नियम बनाए? आई थिंक इसके लिए मैं बहुत स्पेसिफिक हूँ. आई एम रियली डिस्टर्ब्ड विद व्हाट्स गोइंग ऑन बट एनीवेज आई डोंट वांट टू यू नो रेज एनी पॉलिटिकल इशू. आई थिंक एक रूल जो मैं बनाऊंगी, नो वॉर, सिट एंड टॉक द लीडर्स ऑफ द कंट्रीज टू नॉट गो फॉर वॉर इन एनी यू नो सर्कमस्टांस, रादर मीट मीट एंड टॉक टॉक बट नो वॉर इन एनी. और आयरनी आपने जो कहा ना वो मुझे एक आयरनी याद दिलाती है कि वी आर फाइटिंग फॉर पीस जिसके लिए जरूरत नहीं, मतलब ये जरूरत भी नहीं है. तो व्हाई डोंट यू जस्ट ट्राई टू सिट एंड कम्युनिकेट? आई नो दैट एक बार में चीजें नहीं रिजॉल्व होती बट वॉर इज नॉट अ सोल्यूशन अकॉर्डिंग टू मी. तो आई वुड मेक दिस एज अ वेरी स्ट्रिक्ट रूल दैट नो कंट्री कैन यू नो डिक्लेयर वॉर ऑन एनी ऑफ द कंट्रीज. सो आई एम वेरी स्पेसिफिक ऑन दैट. बहुत अच्छा लगा आपका रिस्पॉन्स. और आगे बढ़ते हैं, मेरा दूसरा सवाल, अगर आपको किसी फिल्म के रीमेक में हीरो या हीरोइन बनने का मौका मिले तो आप कौन सी फिल्म करना चाहोगे, कौन सा कैरेक्टर चुनेंगे आप? नवीन यू डिडंट टेल मी दैट इट्स गोइंग टू बी सो डिफिकल्ट बट चलो ठीक है. आई थिंक आई जस्ट लव द कैरेक्टर ऑफ गीत फ्रॉम जब भी मैं. कभी कभी मैं वैसी हो जाती हूँ. सो गीत फ्रॉम जब भी मैं रियली अगेन वो मूवी अनकाउंटेबल टाइम्स मैंने देखी होगी. सो गीत फ्रॉम जब भी मैट और सेकेंड कंगना फ्रॉम द क्वीन, मतलब ये दो कैरेक्टर्स मुझे बहुत ज्यादा एडमायर करते हैं. प्रोबेबली आई वुड गो इनटू दैट. बढ़िया चॉइस, बढ़िया चॉइस. हम सभी रेजोनेट करते हैं वो चुलबुली गीत के साथ में और वो कंगना का कॉन्फिडेंस के साथ में जो आया. तो एब्सोल्युटली वेरी ब्यूटीफुल चॉइस. एंड आगे चलते हैं और थोड़ा सा सोचने को मजबूर करने वाला क्वेश्चन कि यदि आपको आपका जीवन किसी के साथ बदलना पड़े तो वो कौन होगा और क्यों? सो आई थिंक नो वन बिकॉज यू नो द ग्रास विल ऑलवेज बी ग्रीनर ऑन द अदर साइड एंड आई एम सो ग्रेटफुल फॉर गॉड कि मुझे जितना दिया शायद मैं उतना पता नहीं डिजर्व करती थी या नहीं बट आई एम हैप्पी इन माई लाइफ. तो आई वुड नॉट स्वैप विद एनीवन. ठीक है ठीक है. और आखिरी सवाल है दूसरा रैपिड फायर राउंड में, ऐसे कौन सी आधुनिक यंत्र यानी फैंटेसी गैजेट है जो आप देखना चाहोगे नहीं तो खुद ही इन्वेंट करना चाहोगे? ओह माय गॉड, हाँ मैं शायद अपनी सारी पावर्स लगाऊंगी टू इन्वेंट टाइम मशीन बिकॉज आई एम सो क्यूरियस. मतलब मुझे ना विष्णु जी के सारे अवतार देखने का बहुत, आई एम सो क्यूरियस, आई कीप रीडिंग अबाउट दैट. सो प्रोबेबली आई वुड डिस्कवर टाइम मशीन, मेक इट माई सेल्फ और मैं विष्णु जी के सारे अवतार रिविजिट करूंगी. वॉन्ट टू हैव दर्शन ऑफ देम. सो या यू नो बहुत ही आई विल नॉट से रेजोनेटिंग लेकिन एक अच्छा सा आंसर दिया है आपने जो कि हमारे को भी ये सोचने को मजबूर करता है ताकि हम वापस जाके उन चीजों को जी पाए जिनको आज हम ने शायद टेक्नोलॉजी का नाम दे दिया है. हम उस चीज का पार्ट बन पाए और उस चीज की सच्चाइयां देख पाए दैट दे एग्जिस्टेड एंड यस वॉट एवर वी आर डूइंग जो है हमारा एक कल्चर है वो सिर्फ हमारे कल्चर की भी एक आर्ट एंड साइंस
रही है जो हमको बिल्कुल एग्जैक्टली मतलब आजकल पता नहीं क्या एक फैड बन गया है कि इट इज वेरी कूल नॉट टू यू नो बिलीव इन ऑल दिस, बट मेरा तो हमेशा से बहुत ज्यादा इन सब में रहा है फेथ एंड बिलीव. एंड आई थिंक यू नो वन लाइन दैट आई वुड ऑल्सो लाइक टू से इज कि टैरो ओनली वर्क्स इफ यू हैव फेथ और इंट्यूशन. अगर कोई ऐसा टैरो रीडर आता है ना जो कि बस एवरी टाइम पास लाइक लेट्स से यार क्या होता है आई डोंट ट्रस्ट इन ऑल दीज इट्स ईदर कोइंसिडेंस और मतलब यू नो दीज थिंग्स ओनली वर्क इफ यू हैव फेथ एंड बिलीव. तो मेरा फेथ हमेशा से रहा है तो दैट्स व्हाई आई एम टेलिंग कि प्रोबेबली आई वुड लाइक टू हैव दर्शन ऑफ ऑल द विष्णु अवतार. सो एंड इफ यू हैव एन एक्स्ट्रा सीट यू कैन प्लीज कैरी अस, हमको भी ले जा सकते हैं. वी आर सेल्फ इनवाइटेड एंड डन. वी आर गोइंग टू डू अ पॉडकास्ट देयर एज वेल यू नो हर एक अवतार के साथ. बिल्कुल. और सेकंड रैपिड फायर में भी बहुत बहुत मजा आया आपके साथ में. और अब एक जो जरूरी सवाल बनता है, आज की उभरते हुए युवा को आप क्या सलाह देना चाहेंगे? ओके, आई थिंक मैं यही बोलना चाहूंगी कि जिस तरह आप समझते हो कि लोग आपको समझे, यू ऑल्सो ट्राई टू अंडरस्टैंड पीपल, बिकॉज सारे जितने भी इश्यूज कहीं ना कहीं होते हैं दैट इज ड्यू टू कम्युनिकेशन गैप मोर ऑर लेस. मतलब आजकल हम बोल देते हैं आई एम नॉट कंपैटिबल, मतलब मेरे पास भी रीडिंग्स आती है आई एम नॉट कंपैटिबल, टेल मी फ्यूचर है नहीं है, सीधा येस और नो बताओ एंड देन वी आर डन. सो आई एम लाइक यार कम ऑन, फर्स्ट ऑफ ऑल आई डोंट डू येस और नो रीडिंग्स एंड देन यू हैव टू कम टू मी, स्पेंड वन आवर, सिट बैक, सुनो पहले, यू हैव टू डेवलप योर लिसनिंग स्किल्स विद मी व्हेन यू आर हैविंग सेशन. और इट्स ऑल अबाउट द कम्युनिकेशन. सो कहीं ना कहीं कंक्लूजन यही निकल कर आता है कि वन ऑफ द मोस्ट थिंग दैट हैज द इफेक्ट इज द कम्युनिकेशन, यू नो. सो मेरा यही मैसेज रहेगा कि इफ यू वॉन्ट टू बी अंडरस्टूड बाय अदर्स देन डू ट्राई टू गो इन टू देयर शूज एज वेल एंड ट्राई टू रेजोनेट फ्रॉम देयर पर्सपेक्टिव. ये आई थिंक मैं एक मैसेज देना चाहूंगी. मे बी साउंडिंग सो बोरिंग बट ये मैं देना चाहूंगी. अमेजिंग. और आपके साथ बात करके बहुत अच्छा लगा, बहुत मजा भी आया. और आपको टीजीवी हिंदी में इंटरव्यू एक्सपीरियंस कैसे लगा? बहुत बहुत अच्छा नवीन. थैंक यू नवीन, थैंक यू पायल फॉर टेकिंग आउट टाइम और यू नो ये सब ऑडियंस तक पहुंचाने के लिए. यू हैव बीन द ब्रिज बिटवीन me as a tarot reader, tarot counselor and the people, because tarot kahin na kahin abhi bhi it works on whims ya logon ko pata hi nahi hai what is the power of this tool. So thank you for channelizing this. Most welcome. Aur आप आज हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद. और दोस्तों ये था हमारा आज का एपिसोड आकांक्षा वर्मा जी के साथ. और आखिरी के भाग से पहले आपसे एक विनती है, अगर आपने अब तक टीजीवी हिंदी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी कर लीजिए. अगर आपको ये एपिसोड पसंद आया तो अपने 3 करीब के लोगों से भी शेयर कीजिए, शायद उन्हें भी इसे कोई फायदा हो या कोई टिप्पणी उन्हें भी पसंद आए. तो धन्यवाद. अब सुनते हैं आज का सामान्य ज्ञान. हम प्रस्तुत करते हैं आपको 2 लेसन नोन एंड इंटरेस्टिंग फैक्ट्स अबाउट द ओरिजिन्स ऑफ टैरो कार्ड की उत्पत्ति के बारे में 2 कम ज्ञात और दिलचस्प तथ्य यहाँ हम बात करते हैं. और पहला है कि टैरो मूल रूप से एक कार्ड गेम था और कोई रहस्यमय उपकरण नहीं. टैरो डेक की उत्पत्ति 15वीं शताब्दी के यूरोप में हुई और विशेष रूप से इटली में टैरोची नामक गेम के रूप में. यह ब्रिज और आधुनिक कार्ड गेम के समान अभिजात वर्ग के लिए मनोरंजन का एक रूप था. टैरो का रहस्यमय और दैवी उपयोग केवल 18वीं शताब्दी के अंत से शुरू हुआ जब फ्रांस में जीन बैप्टिस्ट एलियट आल्सो कॉल्ड एज एटिला और उन्होंने इन जैसे तांत्रिकों ने भाग्य बताने के उद्देश्य के लिए कार्ड की व्याख्या करना शुरू कर दिया था. सो दिस इज हाउ इट स्टार्टेड फ्रॉम लेट 18th सेंचुरी. सो ओवर टू यू फाइल. और हमारा दूसरा कम ज्ञात तथ्य है, टैरो में कल्पना पूर्ण जागरण प्रतीकवाद से जुड़ी हुई है. प्रमुख आकारना कार्ड जिन्हें आज लोग अक्सर गूढ़ अर्थों से जोड़ते हैं, शुरू में पुनर्जागरण कला, संस्कृति और ईसाई आइकनोग्राफी में निहित समृद्ध प्रतीकवाद के साथ डिजाइन किए गए थे. कई कार्ड उस अवधि के प्रतीकात्मक विषयों को दर्शाते हैं, जैसे मूर्ख
मानव मूर्खता की अवधारणा का प्रतिनिधित्व करता है और द डेविल नैतिक प्रलोभन का प्रतीक कर है, इससे पहले कि वे आध्यात्मिक या गुप्त उद्देश्यों के लिए उपयोग किए जाते। तो ये था सामान्य ज्ञान हमारे तरफ से टैरो कार्ड के बारे में। अगर आपको टैरो कार्ड रीडिंग एक्सपीरियंस खुद आप करवा चुका है तो उसके बारे में बता दीजिए आपका एक्सपीरियंस कैसा था। नहीं तो आप खुद ही टैरो कार्ड रीडर या कोच है तो आपका एक्सपीरियंस कैसे था, लाइक हाउ डिड यू ट्रांसफॉर्म यूर क्लाइंट और कोचेस लाइफ, उसके बारे में बता सकते हैं। अगर आप ये एपिसोड यूट्यूब में देख रहे हैं तो वहां पे कमेंट कर सकते हैं, नहीं तो ये एपिसोड सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म या ऑडियो प्लेटफॉर्म में मिले तो वहां पे भी कमेंट कर सकते हैं। तो दोस्तों यही पर समाप्त करते हैं आज का एपिसोड और टीजीवी हिंदी में ट्यून करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको कोई प्रतिक्रिया यानी सजेशन है या अगर आप किसी को हमारे मेहमान करके बुलाना चाहे तो हमें जरूर ईमेल करें। हमारा ईमेल एड्रेस tgvhindi@gmail.com और मैं हूं नवीन सामला, आपकी हम सफर और यही उम्मीद है कि हमारी कोशिश कई लोगों की जिंदगी में कुछ अमूल्य बातें पहुंचाए। तो दोस्तों अगले बार तक एक लिए नमस्ते और धन्यवाद। सुनते रहिए, देखते रहिए टीजीवी हिंदी। टीजीवी हिंदी आपके बेहतर भविष्य के लिए, और फिर से अगले एपिसोड में दूसरे मेहमान के साथ मिलेंगे। जब तक टेक केयर, लव यू ऑल, सी यू इन द नेक्स्ट एपिसोड। बाय बाय।